नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। दुस्साहस को सफलता तभी नसीब होती है जब दुश्मन की हरकत को समझने में हम चूक करते हैं या उसके वार को कम तीव्रता से आंकते हैं। 1999 में पाकिस्तान की हरकत का ही नतीजा था कारगिल। उस साल गर्मी के मौसम में हमने तोपों के गोलों से जवाब जरूर दिया, मगर देर से दिया और उस जवाब की हमें कीमत भी चुकानी पड़ी थी। बड़ी सोची समझी साजिश थी जनरल मुशर्रफ और ISI की। अब भी हालात वैसे ही बनते दिख रहे हैं। एक बार फिर सत्ता नवाज शरीफ के हाथ में है और पाकिस्तान के हालात खराब। अपनी सरकार बचाने के लिए नवाज पाकिस्तान से लेकर UN तक घूम आए हैं, लेकिन तवज्जो नहीं मिल रही है। सवाल यह है कि क्या सीमा पर बढ़ते हुए तनाव और पाकिस्तान के राजनीतिक हालात कारगिल 2 की तरफ इशारा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच 200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव अपने चरम पर है। पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग में पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। वहीं पाकिस्तानी सीमा से सटे गाँव के करीब 1500 लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ रही है। जो घटना हुई है तो बहुत ही खराब घटना हुई। इतने सिविलियंस की इंजरी और कैजुअल्टी हुई, वो तो अच्छी घटना तो नहीं है, लेकिन BSF ने जवाबी कार्रवाई की है और अभी तक हमें जो खबर मिल रही है पाकिस्तान की तरफ भी काफी क्षति हुई है और आगे देखिए भी क्या होता है। लेकिन निर्देश नहीं है, लेकिन BSF एक प्रोफेशनल फोर्स है, इसको जो जवाबी कार्रवाई करनी होगी वो करेगी। भारतीय सेना पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन का ठोस जवाब दे रही है। इंटेलिजेंस सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 15 सैनिक मारे गए हैं। BSF ने पाकिस्तान की करीब 40 चौकियों को नष्ट कर दिया। इस बीच भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के साथ फ्लैग मीटिंग से इनकार कर दिया है। तनाव के बीच रक्षा मंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों से बैठक की है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने BSF से पाकिस्तानी फौज को करारा जवाब देने को कहा है। PM ने हालात से निपटने के लिए NSA को जिम्मेदारी सौंपी है। सीमा पर हो रही फायरिंग के बीच गृह सचिव अजीत डोभाल खुद सरहद के हालात का जायजा लेंगे। पाकिस्तान की ओर से हो रही सीज फायर की घटनाओं पर राजनीतिक गलियारे में भी काफी गुस्सा है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पाकिस्तान जैसा देश इस प्रकार से हमें दिन प्रतिदिन चुनौती देता है, हमारी इज्जत से खेलता है, हमारे जान और माल का इस प्रकार से नुकसान करता है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आंकड़े देते हैं। बहुत ही लज्जा का विषय है और मैं नहीं समझता कि इतिहास में मई से अभी तक जितने बार जिस तरीके से उल्लंघन हुए हैं किसी भी पीरियड में इतने कम समय में इतने उल्लंघन हुए हों। कि पाकिस्तान जो है वह पाकिस्तान नहीं रहा, वो शैतानिस्तान बन गया है, वो आतंकिस्तान बन गया है और ऐसे शैतानिस्तान और आतंकिस्तान को कैसे ठीक किया जाता है ये हमारी फौजें भी जानती हैं और ये हमारी फौजें उसका मुंहतोड़ जवाब दे भी नहीं। भारत पाकिस्तान के रिश्तों को नाजुक दौर में जाता देख संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझाने की अपील की है। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रशांत द्विवेदी की रिपोर्ट। मुद्दा सुलझाने की अपील की जा रही है। सवाल यह है कि यह सीमा विवाद आखिर सुलझता क्यों नहीं है, या यूं कहें कि पाकिस्तान के मंसूबे ऐसे नहीं हैं कि कहीं ना कहीं ये परिस्थितियां सुलझाई जाएं। पाकिस्तान की आखिर मंशा क्या है, चाहता क्या है आखिर पाकिस्तान? भारत और बीच के जो ये लड़ाई है, ये सीमा विवाद है, आखिर सुलझेगा या नहीं, कश्मीर का मुद्दा सुलझेगा या नहीं, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। मेरे साथ मनोहर मनोज जी हैं, मरुवैश पत्रकार हैं, RB शर्मा साहब डिफेंस एक्सपर्ट, सुखबीर सिंह हुड्डा साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, कुछ देर के बाद दिनेश सिंह बीजेपी नेता मुझे ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले RB शर्मा साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो पूरी परिस्थितियां हैं ये क्या शो कर रही हैं और क्या ये वक्त है कि हम जवाब दें? ये परिस्थितियां ये बिल्कुल दिखा रही हैं कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालात खराब होने की वजह से जो उनकी सरकार, सिविलियन सरकार और आर्मी में ठनी हुई है, उसको किसी तरह से ये भारत पर लाद देना चाहते हैं। दूसरी बात आपने पूछी कि इसका जवाब कैसे देना है। मुझे पूरा एहसास है कि इस वक्त हमारी फौजें और हमारी BSF अच्छा खासा जवाब दे रही है और दो चार दिन में इसके बड़े सुलभ परिणाम निकलने वाले। चलिए ठीक है, मनोज जी, जिस तरीके से ये गतिविधियां आगे बढ़ी हैं,
जाहिर है इससे पहले कई बार कहा गया कि यूपीए का शासनकाल है, उस वक्त लगातार घटनाएं होती रही हैं। अगर एक आंकड़ा मैं यहां पर दूं तो अगर ओवरऑल इसका एक एवरेज निकाला जाए तो हर दूसरे दिन ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन अगर सरकार बदली है, जिस तरीके से मंत्री कह रहे हैं बीजेपी के कि सरकार बदल गई है, उसके बाद अब परिवर्तन आ गया, मोदी सरकार है, यूपीए सरकार नहीं है, फिर भी परिस्थितियां नहीं बदली हैं, हम मैसेज क्यों नहीं दे पा रहे या वो सुनना नहीं चाहते? देखिए, पहले तो मैं एक लाइन ये बता दूं कि ये जो तनाव की जो स्थिति है ये उस जगह पे हुई है जिसको लेके विवाद नहीं है, यानी वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे, और तभी बीएसएफ जो उनका जवाबी एक तरह से हमले का जवाब जो है वो दे रही है। जब एलओसी था, जो कि कश्मीर से जुड़ा वो जो है नियंत्रण रेखा है, वहां पर विवाद की स्थिति है, वहां पर पाकिस्तान के एजेंडे में हड़पने वाली बात है, आतंकियों को भेजने वाली बात है, तो वहां अगर इस तरीके के द्वंद्व होते थे तो बात समझ में आती थी। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर पे इस तरीके का हालात पैदा होना, या तो इसके दो मायने, या तो आतंकियों को घुसपैठ कराना चाहते हैं, दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो सिविलियन और मिलिट्री रिजीम जो है उसको, उसमें जो आपस में एक तनातनी का माहौल है, तो उसमें ये लोग जो है अपनी अपनी जो है स्थिति मजबूत दिखाने के लिए सिविल गवर्नमेंट ये दिखाना चाह रही है कि हम कश्मीर को लेकर के जो वो है पाकिस्तान जो सरकार है, हाँ, मिलिट्री जो वहां की जो रिजीम है वो ये दिखाना चाह रही है कि हम जो है भारत का एक तरह से मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो कुल मिला जुला करके पाकिस्तान में एक सनसनी का माहौल हो। दूसरा, आपने जो सवाल किया राजनीतिक, तो जो मायने हैं भारत में, तो मैं आज इस बहस पे और इस मौजू पर ये कहना चाहूंगा कि इस तरीके के हालात में हमारी पॉलिटिकल रिजीम का क्या रोल है। मिलिट्री रिजीम का रोल तो जैसे कि हमारे एक्स फौजी साहब ने बता दिया कि वो युद्ध में लड़ती है, स्ट्रेटजी बनाती है, और अंतिम तौर पे वो जो है राजनीतिक नेतृत्व से आदेश लेती है। लेकिन चुनाव में जिस तरीके से इस हालात का हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के खिलाफ वार करके फायदा उठाते हैं कि हम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे, राजनीतिक नहीं लड़ने जाते हैं, लड़ाई लड़ती है सेना, आप केवल आदेश देते हैं। आज के हालात में नरेंद्र मोदी के सामने जो स्थिति पैदा हुई है, कई लोग ये चाह रहे हैं कि इन्होंने 56 इंच का सीना और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की बात यूपीए सरकार में कहा करते थे, तो क्या आज वो लोग ये चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी युद्ध की एक तरह से सरेआम घोषणा करें, जो कि आसान निर्णय नहीं होगा, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा निर्णय है, लेकिन हमारी भावुक जनता जो है इस तरीके का एक्सपेक्टेशन करती है। दूसरा ये कि राजनीतिक डोमेन में इन सवालों को लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ज्यादा श्रेय लेती हैं और क्यों उनमें होड़ लगती है, और चुनाव के दौरान इस चीज का भेजा फायदा क्यों उठाया जाता है? तो क्या हम लोगों का यह काम नहीं है लोगों को यह मैसेज देना कि इस तरीके की स्थिति पर कोई भी पॉलिटिकल रिजीम अगर कोई दावे करता है तो उन दावों में कोई सच्चाई नहीं है, जब तक कि कोई स्थिति बिल्कुल नियंत्रण से बाहर हो। जैसे कारगिल युद्ध हुआ तो अटल बिहारी सरकार ने जो है विधिवत तरीके से युद्ध की घोषणा की और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन इस तरीके के घुसपैठ के मामले पर जो पॉलिटिकल रिजीम जो अपना अपना श्रेय लेती हैं, क्या यह जनता को बहकावा देने वाला नहीं है? और क्या यह आर्मी के साथ बलात् जो है उनका दुरुपयोग और सदुपयोग करने की बात नहीं है? आर्मी जो है युद्ध के मैदान में अपनी जानें गंवाती है, देश हित में वो अपनी नौकरी करते हैं, देश हित में वो मैं समझ गया मनोज जी, कहीं ना कहीं लेकिन पॉलिटिकल जिम्मेदारी है भावनाओं के साथ, वो ये है कि कहीं ना कहीं चुनाव की जो परिस्थितियां हैं और कूटनीतिक जो परिस्थितियां होती हैं वो अलग अलग होती है, यही कहा जा सकता है। बिल्कुल, राजनीतिक परिस्थितियां अलग है, कूटनीतिक अलग है और सामरिक परिस्थितियां अलग, बिल्कुल वो अलग है, और कहीं ना कहीं मीडिया की भी इसमें जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कहीं ना कहीं एक कूटनीतिक कोशिशों के तहत या इस पूरी परिस्थितियों में दबाव ना बन जाए सरकार के ऊपर, कहीं ना भावुक पहलू है। देखिए, देश प्रेम एक भावुक विषय है, रणनीति बनाते समय केवल भावुकता से काम नहीं चलती है, कूटनीति केवल भावुकता से काम नहीं चलती है, कहीं ना कहीं यथार्थ के धरातल पर चलना होता है। तो भारत और पाकिस्तान की जो बायलेटरल टेंशन है, मैं तो इसे विभाजन इसका जिम्मेवार मानता हूं, मैं कश्मीर तो को छोटा इशू मानता हूं, इस देश का सांप्रदायिक आधार पर तीन टुकड़ों में बंटना मैं इसे एक अवैध डिसीजन मानता हूं। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म लड़ाई तब ये खत्म होगी जब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश का यूनिफिकेशन होगा, लेकिन शायद ये वैसे तो शायद पॉसिबल नहीं है इस पर, इसकी अगर हम चर्चा करें जी मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से ये पूरी परिस्थितियां सामने आई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि मैं मनोज जी की बात से भी कहीं ना कहीं सहमत हूं कि कूटनीतिक जो कोशिशें हैं या फिर जो चुनाव के समय की जो परिस्थितियां होती हैं वो बिल्कुल विभाजन है उनके बीच में, मतलब कोई उनको मैं एक जगह जोड़कर नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन जो फिलहाल की परिस्थितियां हैं उनमें जो रिस्पॉन्स की उम्मीद जनता कर रही है, भावुकता का मुद्दा कहीं ना कहीं आ जाता है, तो पाकिस्तान के लिए और ये साथ ही साथ भारत के बीच में या भारत को
इन परिस्थितियों में एक ऐसा एक्शन लेना जरूरी हो जाता है कि वो दोनों की एक्सपेक्टेशंस को या पाकिस्तान को जवाब भी दिया जा सके और जो भारत की जनता है उसकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो भी फुलफिल हो। हाँ देखिए सुमित जी, जहां तक एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं कि मोदी साहब के दो ही एजेंडे थे, एक उनकी डेवलपमेंट, पूरे कंट्री की डेवलपमेंट, और दूसरी अगेंस्ट टेररिज्म। और उस टेररिज्म को हम उसी किसी तरीके से लिंक करके, अगर जो ये पाकिस्तान की इन्फिल्ट्रेशन हो रही है इसी को भी हम उसी से लिंक कर रहे हैं। अगर हम पिछले 24 घंटे के अंदर जो सरकार के जो भी स्टेप्स हैं या गवर्नमेंट जो भी हमारे स्टेप्स ले रही हैं या गवर्नमेंट जो भी हमारी किसी भी फ्रंट के ऊपर, चाहे डिप्लोमेटिक फ्रंट है या बॉर्डर फ्रंट है या कोई दूसरा फ्रंट है, जितने भी फ्रंट खोले हुए हैं, उस फ्रंट के ऊपर जहां तक देख रहा हूं कि सरकार के हम 24 घंटे के अंदर वो रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो भावुकता में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मोदी साहब ने कल से आर्मी चीफ को बुलाया, अपने जेटली साहब को आगे कर दिया है और क्या कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर को आगे करके उन्होंने आर्मी चीफ से बात की है, तो रातों रात वो मुद्दा काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन सुमित जी, अगर आप देखिए मोदी साहब की फर्स्ट प्लानिंग जो उन्होंने आगे लेके चले थे, वो आज कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पाई, इसलिए आज उन्होंने सारा का सारा मुद्दा एनएसए को हैंडओवर किया। अजीत डोभाल साहब जो एक प्रूव्ड टेक्नोक्रेट, वो एक माहिर हैं हर चीज में, रणनीति बनाने में और फीडबैक लेने में और अपने इंटेलिजेंस के बारे में, आज ये मुद्दा उनको स्पेशल, उनके मोदी साहब ने अपने आप को ही एक तरीके से डोभाल साहब को प्रेजेंट करके उनको दिया गया है और उनको एक एजेंडा दिया गया है कि भाई देखिए आप, मतलब देश के अंदर बवाल हो गया, लीडर जो अपोजिट पार्टी है आज, जो कांग्रेस मैन पार्टी है, उनके उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट साहब राहुल गांधी जी ने क्वेश्चन किया है, दूसरे लीडर्स बार बार क्वेश्चन करें, मोदी साहब जहां भी जा रहे हैं, मोदी साहब को अल्टीमेटली आज एक हल्का सा बयान देना पड़ा कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। उस जल्दी के डेडलाइन वाले लोग मांग रहे थे। सुमित जी, हम बहुत भावुक लोग हैं, स्पेशली पाकिस्तान के साथ बहुत भावुक लोग हैं। मोदी साहब को इसको इलेक्शन को छोड़ के, मेरा अपना जितने भी एनालिस्ट हैं जो इसको करते, मोदी साहब इतने बड़े अपना कद कर लिया है, उनके लिए इलेक्शन इतना बड़े मायने नहीं रखता है कि जहां पे देश की बात आती है पहले देश है। इलेक्शन तो ठीक है, आते जाते रहते हैं, लगते रहते हैं, मोदी के बाद भी सेकंड लीडरशिप है और उनके बड़े बड़े कद के नेता, मोदी साहब को थोड़ा सा और एजेंडा सेट करके इसके ऊपर लगाए। नहीं, सवाल यह पाकिस्तान की तरफ से वक्त नहीं मिला। दिनेश जी, बीजेपी नेता मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, जाहिर है यहां पर बात जरूर यह कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक हालात हैं या फिर कूटनीतिक जो हालात हैं वो चुनाव के हालात से अलग हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मर जवान मन किसान का नारा देकर लोकसभा चुनाव में चमकते हुए नजर आए थे, वो परिस्थितियां आप नजर आती हुई नहीं दिख रही हैं। अब सिर्फ एक छोटी सी टिप्पणी आ जाती है जिसमें कहा जाता है कि जल्दी हालात ठीक हो जाएंगे। सुमित जी, मैं हुड्डा जी की इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। प्रधानमंत्री ने पहले भी कहा था कि वो कहने पर नहीं विश्वास करते, वो करने पर विश्वास करते हैं, और जो कर रहे हैं वो आज दिख रहा है, हालात बदल गए हैं। पहले क्या होता था, आपको चर्चा यह करनी पड़ेगी। शुरुआत में थोड़ा सा विलंब से पहुंचा, इसलिए क्षमा चाहता हूं कि आखिर में कारण क्या है। आज जिस तरह से, इसमें एक्सपर्ट भी बैठे होंगे, जिस तरह से आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है, वो सार्क कंट्री में जब गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ में उसने कश्मीर का मुद्दा उठाया और वहां उन्होंने मुंह की खाई, नंबर एक कारण। और दूसरा कारण यह था कि ये जो 3 हफ्ते का समय होता है, इसके बाद वहां बर्फबारी शुरू हो जाती है, किसी तरह से घुसपैठ होने की संभावना नहीं होती है, ये उनके पास गोल्डन पीरियड होता है, ये बमबारी करके इसके पीछे से अपने घुसपैठियों को भेजना चाहते हैं। ये पाकिस्तान की नापाक हरकत बहुत पहले से। और अभी क्या एक मिनट दिनेश जी, अगर ये हर बार की कोशिश इस तरीके की पाकिस्तान की है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमने किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई है? क्या सिर्फ मैं वहीं पे आ रहा हूं, जो सीमा से लगे हुए गांव हैं वहां पर लोगों को मरने के लिए हमने छोड़ रखा है, उन लोगों का दर्द भी तो हमें देखना होगा ना जी। हम सब भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता के पहले हिंदुस्तानी हैं, हम व्यक्ति हैं, हमारे अंदर भी दर्द है। लेकिन पहले दिन ही नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो पहले दिन उन्होंने काम क्या किया, सारे सार्क कंट्रीज के हेड ऑफ नेशन को बुलाया उन्होंने, स्टेट को, हेड ऑफ स्टेट को बुलाया, पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट को बुलाया उन्होंने, बात करने की कोशिश की और चाहते थे कि सबको साथ लेकर हम चलें और पाकिस्तान से भी हमारा रिश्ता बेहतर बने, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हमने प्रयास किया, हमने सचिव स्तर की वार्ता रखी, लेकिन हम आपसे सचिव स्तर की वार्ता रख के मुद्दे का सलूशन चाहते हैं, और आप उसी समय अलगाववादियों से बात कीजिए। हमने पहला उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, या तो आप अलगाववादियों से बात कर लीजिए या तो आप भारत से बात कर लीजिए। और दूसरी चीज, अभी आप जो कह रहे हैं कि करते हुए मोदी जी नजर नहीं आ रहे हैं, सेना बिल्कुल पहली बार हुआ है जब बीएसएफ को खुली छूट दी गई है कि अगर वो
पांच बम बरसाएं तो आप 15 बम बरसाइए। और आज सेंसर लगा हुआ पाकिस्तान की मीडिया में, आज कहीं भी पाकिस्तान की मीडिया में भारत पाकिस्तान एलओसी का मामला नहीं चल रहा है, उनके यहाँ दिखाया नहीं जा रहा है। आपके यहाँ निश्चित तौर पर 5 मरे हैं, ये भारत के लिए दुखद है, लेकिन उनके यहाँ भी 50 मरे हैं तुम्हें। और एक प्रधानमंत्री को जी स्टेटमेंट देने की बात करते हैं, आज वो प्रधानमंत्री हैं दिनेश जी, इतना उन्होंने कह दिया सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसका बहुत बड़ा मतलब हो दिनेश जी, सब कुछ ठीक होगा। यहाँ पर अगर आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने में नहीं सिर्फ करने में विश्वास रखते हैं, ऐसा बीजेपी के नेताओं की तरफ से कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उनका कहना है कि मोदी की सरकार आ गई है, अब जो है पहले वाली परिस्थितियां नहीं रही हैं, सिर्फ इससे पाकिस्तान मानने वाला नहीं है, ये परिस्थितियां आप देख चुके हैं, कूटनीतिक कोशिश जो आपकी तरफ से की गई, शॉल डिप्लोमेसी की गई, उन तमाम चीजों की कोई भी असर अब तक पाकिस्तान में पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। सवाल ये है कि अब आगे की रणनीति किस तरीके से आगे बढ़ेगी। शब्दों की आप बात कर रहे हैं, शब्दों के अलावा अब तक बीजेपी की तरफ से या आपके जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से ऐसी कौन सी प्रतिक्रिया आई है जिसके बाद कहा जा सके कि आगे स्ट्रांग कदम लिए जाएंगे? जवाब मैं आपसे यहां से यहां पर लूंगा, लेकिन साथ ही साथ सवाल जहन में यह है कि क्या परिस्थितियां 1999 जैसी बन रही हैं? जी हां, हम यह नहीं कहना चाहते कि युद्ध होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां कहीं ना कहीं कारगिल 2 की तरफ इशारा कर रही हैं। कैसे ये परिस्थितियां एक युद्ध की तरफ जा सकती हैं? रिपोर्ट देखिए। ১৯৫০ पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान के गुजर जाने के बाद पाकिस्तान में सेना का विदेश नीति सहित तमाम अहम भूमिका पर पकड़ मजबूत हुई। 1998 पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और सेना प्रमुख करामात के बीच मतभेद बढ़ चुके थे। एक आम सभा में बोलते हुए नवाज शरीफ ने करामात के ऊपर टीका टिप्पणी की और इस बात से गुस्सा होकर करामात ने सेना प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नवाज शरीफ ने जनरल परवेज मुशर्रफ को सेना प्रमुख बनाया, लेकिन सेना में नवाज शरीफ को लेकर गुस्सा बढ़ चुका था। परवेज मुशर्रफ ने कारगिल में घुसपैठ की योजना बनाई और इसको अंजाम दिया। भारत के जवानों ने अभूतपूर्व साहस का परिचय देते हुए कारगिल से घुसपैठियों को खदेड़ दिया। कारगिल में पिटने के बाद मुशर्रफ ने नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट कर दिया। नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट से जूझ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ के शामिल होने से आईएसआई, सेना और पाकिस्तान के कट्टरपंथी उनसे नाराज हो गए। इमरान खान और मौलाना कादरी ने नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ आंदोलन कर पाकिस्तान में सरकार को घुटने के बल ला दिया। सेना ने आंदोलन में दखल देने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान में अपनी साख बचाए रखने के लिए कश्मीर मुद्दे को हवा देना शुरू किया। यूएन में शरीफ ने कश्मीर मुद्दा उठाया, लेकिन विश्व समुदाय ने कोई तवज्जो नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर मुद्दे को भारत पाकिस्तान के बीच का मुद्दा करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंक पर लगाम लगाकर बातचीत की मेज पर आए। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए। पाकिस्तान की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जिसमें पाकिस्तान के अलग अलग आर्मी के कोर कमांडर मिलते हैं और राजनीतिक मुद्दों पर जरूरी कदम उठाते हैं, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस वहां कैबिनेट से ज्यादा ताकत रखती है। विदेश नीति पर सेना का एक तरह से वीटो है। भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते वहां के सेना प्रमुख के हाथ में ही होते हैं। पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ आईएसआई चीफ रिजवान अख्तर के साथ कट्टरपंथी भारत के साथ संबंध नहीं चाहते। अब नवाज शरीफ भी अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए कश्मीर मुद्दे पर आकर रुक गए। लगातार हो रही सीज़फ़ायर उल्लंघन की घटनाएं कहीं भारत को एक और युद्ध की तरफ तो नहीं ले जा रही? सुदर्शन न्यूज के लिए प्रशांत त्रिवेदी की रिपोर्ट। दरअसल अगर पाकिस्तान के राजनीतिक हालात की बात करें तो अक्सर ये बातें सामने आती रही हैं कि जो सरकार है पाकिस्तान की या नवाज शरीफ सरकार है, उसका नियंत्रण कहीं ना कहीं सेना पर नहीं है और मतभेद रहा है अक्सर सरकार और सेना के बीच में लेकर।
विदेश नीति को लेकर कहीं ना कहीं सेना के पास वीटो कहा जाता है। परिस्थितियां किस तरीके से 1999 के हालात की ओर इशारा कर रही हैं, आइए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान किस तरीके की तस्वीर थी। यानी नवाज शरीफ की सरकार हुआ करती थी, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ थे, परवेज मुशर्रफ सेना अध्यक्ष थे और जियाउद्दीन भट्ट आईएसआई चीफ थे। अगर परवेज मुशर्रफ से पहले की बात की जाए तो मुशर्रफ से पहले करामात सेना प्रमुख थे, जिसमें नवाज शरीफ और करामात के बीच में अच्छे संबंध नहीं माने जाते थे। टीका टिप्पणी नवाज शरीफ अक्सर उनके ऊपर किया करते थे और उसके बाद परवेज मुशर्रफ को बनाया गया सेनाध्यक्ष। लेकिन जो परिस्थितियां थी, शरीफ ने जरूर परवेज मुशर्रफ को बनाया था, लेकिन मुशर्रफ जो हैं उन्हें और ज्यादा अच्छे संबंध थे नवाज शरीफ और जियाउद्दीन भट्ट के बीच में। यानी जनरल परवेज मुशर्रफ को कहीं ना कहीं यह लगता था कि अगर नवाज शरीफ को मौका मिला तो जियाउद्दीन भट्ट जो हैं वो सेनाध्यक्ष बन सकते हैं, और इसी चीज का बाद में खामियाजा नवाज शरीफ को भरना पड़ा। और नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में नहीं थे उसका फायदा परवेज मुशर्रफ ने उठाया और सेना ने तख्ता पलट कर दिया। अब एक और तस्वीर जो अब फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, इस तस्वीर के उलट और इसी से कहीं ना कहीं मिलती जुलती हुई नजर आती है। अब भी परिस्थितियां वैसी ही हैं, यानी नवाज शरीफ सरकार है, प्रधानमंत्री हैं इस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान के, सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ हैं जिनके अच्छे संबंध माने जाते हैं रिजवान अख्तर, जो आईएसआई के चीफ बनाए गए हैं। आतंकी संगठन और जिहादी संगठन का अक्सर सेना को साथ मिलता रहा है, या सेना आतंकी या जिहादी संगठन का अब तक मदद करती आई है, इस तरीके के सबूत मिलते रहे हैं पाकिस्तान में। साथ ही साथ राहिल शरीफ की मदद से इमरान खान और कादरी जो नवाज शरीफ सरकार को घेर रहे हैं, यानी समर्थन है कहीं ना कहीं सेना का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। हालांकि सेना इस बात से इंकार करती आई है, लेकिन जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सेना की तरफ से देखने को मिली है तो इमरान खान और कादरी को जिस तरीके का एक अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन मिला है सेना का, उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठते हैं। और घेरे में आती है एक बार फिर से नवाज शरीफ सरकार, यानी तख्ता पलट के जो आसार हैं वो एक बार फिर से बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो कारगिल के वक्त के जो हालात थे और अब के जो हालात हैं लगभग तख्ता पलट की ओर जाते हुए, यानी उसी ओर इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल वही है कि क्या ये वही हालात हैं और इसी तरीके से ये परिस्थितियां जैसे 1999 में बढ़ी थी आगे उसी तरीके से बढ़ रही हैं। अरबी साहब, आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि ये जो परिस्थितियां बिल्कुल वैसी बनती दिख रही हैं, नवाज शरीफ सरकार की जो नाकामयाबी है उस वक्त भी दिखी थी, अब की जो परिस्थितियां हैं क्या वैसी बन रही हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। 1999 के कारगिल समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में बहुत बदलाव है। पहली बात तो ये है, जैसे अभी पहले कहा गया है कि ये जो लगभग 200 किलोमीटर के में हमारी 40 पोस्टों पर जो आक्रमण हुआ है, वहां की परिस्थिति और उस समय की कारगिल की परिस्थिति बिल्कुल अलग अलग थी। और ये बात सही है कि उस वक्त के सेना प्रमुख और उस वक्त के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो आज भी हैं उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन आज जो सेना प्रमुख हैं पाकिस्तान के और प्रधानमंत्री हैं उनके रिश्ते इतने खराब नहीं हैं जितने तब थे। ये इनके अपने बनाए हुए सेना प्रमुख हैं, हालांकि बाद में परवेज मुशर्रफ को भी उन्होंने ही बनाया था, नवाज शरीफ नहीं बनाया था। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं इस बात को जी। लेकिन जो आज की परिस्थिति जहां ये एलओसी नहीं, एलओसी पर बात नहीं हो रही है, ये भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस पर बात हो रही है। इसलिए इन दो परिस्थितियों में बिल्कुल संभावना एक जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता। मैं ये मानता हूं कि हम इस क्षेत्र में आज अधिक डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं जो कारगिल की निस्बत इस क्षेत्र में होनी चाहिए। कारगिल के क्षेत्र में पाकिस्तान की ऊंची, अगर आप दराज से लेकर कारगिल तक गए हैं तो उसकी जितनी ऊंची पहाड़ियां हैं उन पर पाकिस्तान की डोमिनेटिंग पोजीशन थी, यहां ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो इस वक्त बीएसएफ का और आर्मी का नेतृत्व है वो सक्षम नेतृत्व है और उनको इस बात का पूरा एहसास है।
इसलिए मैं नहीं मानता कि हम 1999 की परिस्थिति की तरफ फिर बढ़ रहे हैं। ये एक ओपिनियन हो सकती है, लेकिन सवाल जो है सिर्फ राजनीतिक हालात के बारे में, और एलओसी की जो परिस्थितियां हैं वो अलग हो सकती हैं, लेकिन हम राजनीतिक हालात पर यहां पर बात कर रहे हैं। हुड्डा साहब, वापस आऊंगा मैं आपके पास, एक ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। तो क्या पाकिस्तान को भारत जवाब देगा, और क्या परिस्थितियां एक बार फिर से 1999 की ओर इशारा कर रही हैं, यानी क्या पाकिस्तान कारगिल 2 चाहता है, यानी क्या या पाकिस्तान इस वक्त भारत से जंग जैसे हालात बनाकर जंग की परिस्थितियों को भारत के सामने खड़ा कर देना चाहता है। लगातार मेहमान में हमारे साथ बने हुए हैं, और सवाल वही है कि पाकिस्तान से किस तरीके से भारत की ये जो परिस्थितियां बन रही हैं किस तरीके से निपटेंगे। हुड्डा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कहना चाहते थे। सुमित जी, देखिए, इसको हम दोनों पहले इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं आपको थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हिंदुस्तान का जो आज के टाइम प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो एक बहुत ही सक्षम प्राइम मिनिस्टर हैं। वो संघ की पृष्ठभूमि से हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब की बीजेपी बाद में आती है, पहले उनकी संघ की पृष्ठभूमि आती है। विजनरी आदमी है, एक तरीके से अपने आप को लोह पुरुष साबित करने पर तुले हुए हैं, विजनरी हैं। उसके बाद आप आइए, मैं आपसे बात करता हूं आर्मी चीफ, वो एक बहुत बड़ी उससे बैकग्राउंड से आते हैं, और हरियाणा स्टेट से आते हैं, और एक बड़ी रॉयल कास्ट से आते हैं। बड़े ही डायनेमिक, बड़े ही अग्रेसिव उनके आर्मी चीफ हैं। और उसके बाद आती है आपकी एक जो पॉलिटिकल पार्टीज है, एक बीजेपी की जो आज के टाइम सरकार है वो सिंगल हैंडली है। तो ये चार चीजें इंडिया को इतनी स्ट्रांग और इतनी फेवर कर रही है कि अगर इंडिया कोई भी स्टेप लेता है तो इंटरनल पार्टीज भी, जो भी ओपोजिशन की पार्टी, वो भी चैलेंज नहीं करेंगी। ये इंडिया इतनी स्ट्रांग होने के बाद भी पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, उसका मैं आपको एक रीजन मैं जो समझ पाया हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये, मैं ये कह रहा हूं कि आप इसके ऊपर गौर फरमाइए कि आपके नवाज शरीफ साहब बींग ए प्राइम मिनिस्टर, ही इज नॉट ए प्राइम मिनिस्टर, वो एक कठपुतली भी नहीं रहे हैं, वो सिर्फ एक ऑफिस में बैठने वाले कर्मचारी रह गए हैं, उनके हाथ से बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं है। उसके मैं बैकग्राउंड में जाता हूं, 500 लोग आते हैं, 1000 लोग आते हैं, उनका घेराव कर लेते हैं, वो कहीं से नहीं जाने को हो जाते हैं, उनका पूरा हैंडीकैप हो गया पाकिस्तान। उसके बाद भी तो परिवर्तन नहीं हुआ ना, बीजेपी का दावा कर रही है। दो लाइन ऐड कर रहा हूं, उसके बाद से आर्मी अपने आप क्या समझते हैं सुमित जी, मोदी साहब का इतना बड़ा कद है कि मोदी साहब ने फोन उठा के उनके किसी कैबिनेट किचन के लोगों ने या डोभाल साहब के ऑफिस किसी ने फोन नहीं किया होगा, नवाज शरीफ साहब ये क्या आप तमाशा कर रहे हैं, मोदी साहब का नोटिस में आएगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो आप समझते हैं ये बैकडोर की पॉलिटिक्स। नहीं, सोमवार को घटना होती है, मंगलवार को फिर उसी शाम के टाइम होती है, शायद कल भी आप मेरे साथ डिबेट में मौजूद थे उस वक्त जब हमने बताया था कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। सवाल यह है कि अगर फोन भी हो रहे हैं उनका इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है। वही तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप प्लीज इस चीज को देखिए कि हम अप्रोच करें नवाज शरीफ साहब को, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, और नवाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहां के, उनके हाथ में कुछ नहीं है, सच्चाई यही है। वो ठीक है, वो एक बैठे हुए हैं जिस चेयर पे बैठे हुए, उनके पास पावर नहीं है, उनके पास डंडा नहीं है, और उनकी कहीं पे सुनाई नहीं है। जब तक कोई वहां पे सुनने वाली सरकार नहीं आएगी, आप रुक जाएगी, दो महीने बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा, तीन महीने बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आईएसआई के जो चीफ है जो नए आए हैं वो अपने आप को एस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं। हुड्डा साहब, मैं यहां पर रोक रहा हूं आपको, मनोहर मोदी से मैं इस पर जवाब लेना चाहता हूं। ये काफी महत्वपूर्ण चीज है हुड्डा साहब की, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ सरकार कहीं ना कहीं सेना के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाई है, हमें भी कहीं ना कहीं इस बात के बारे में कहीं ना कहीं जानकारी है। सवाल यह है, जब हमें पता है कि नवाज शरीफ सरकार इतनी कमजोर है, फिर हम बातचीत करके क्या हासिल करने वाले हैं? अब जिस तरीके से मैंने रिपोर्ट में भी दिखाया यहां पर, उस पर मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, तमाम जो हमारे गेस्ट मेरे साथ हैं, पाकिस्तान का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, जिसमें पाकिस्तान के अलग थलग आर्मी के कोर कमांडर मिलते हैं और राजनीतिक मुद्दों पर जरूर कदम उठाते हैं, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस वहां कैबिनेट से ज्यादा ताकत रखती है, यानी वीटो है कहीं ना कहीं सेना के पास इस विदेश नीति को लेकर। फिर अगर सरकारों से बातचीत होती रही, चाहे वो यूएन में जाकर हो, चाहे वो द्विपक्षीय बातचीत हो, फिर हासिल क्या होगा? देखिए, बातचीत का मामला तो अभी डेडलॉक में तो चला ही गया है, हालांकि सुषमा स्वराज ने उस डेडलॉक को लेकर के भी एक आशा भरा एक स्टेटमेंट दिया था कि कूटनीति में पूर्ण विराम नहीं होता है, कोमा और अर्ध विराम हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बातचीत के लिए फिर से अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार है दोनों मुल्कों को, लेकिन ये जो घटना घट रही है, अलग अलग तरीके से स्कोर करने की बात हो रही है, भारत में भी जो है पॉलिटिकल सर्किल में जो है एक्शन और रिएक्शन, काउंटर और एंटी काउंटर करके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, इसमें यह दिखाया जा रहा है कि हम जो है ज्यादा
एक तरीके से वो चीज दिखा सकते हैं, बहादुरी दिखा सकते हैं, देश का जज्बा को प्रोत्साहित कर सकते हैं, राष्ट्रवाद की बातें कर सकते हैं। फिर कांग्रेस पार्टी को ये मौका मिला, उनके प्रवक्ता ने कहा कि पहली बार हुआ कि एक दो तीन महीने के दौरान इतना ज्यादा जो है तनाव जो है बॉर्डर पर पड़ा। तो लेकिन इसका सबसे ज्यादा सफरर कौन है? आप ये देखिए कि इसके पहले भी, कुछ दिनों पहले, एक महीना पहले भी इस तरीके से जो है बॉर्डर पे काफी क्लैश हुआ था, उसमें करीब एक ही परिवार का दो व्यक्ति मर गया था। अभी भारत का जो है पांच आदमी मरा है, लगातार आपके रिपोर्टों में दिखाया जा रहा है गोलियों के निशान दीवालों पर, लोग बच्चे घायल हो रहे हैं। तो ये लड़ाई, कूटनीति, समरतंत्र जो चलता रहे, लेकिन जो बॉर्डर पे रहने वाले जो परिवार हैं, आप उनको कहीं सुरक्षित जगह पर क्यों नहीं रखते हैं? वो महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं उनकी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पहले तो हम उनकी जान माल की रक्षा करें, केवल हम कैमरे के सामने उनको दिखा करके कोई इंटरनेशनल सहानुभूति लेने के लिए अगर ऐसा काम करते हैं तो ये कहीं से भी जो है बहादुरी वाली बात नहीं है, ये अमानवीय बात है। बातें जरूर होती रही है और इन मुद्दों के ऊपर काफी ज्यादा राजनीति भी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन लोगों का क्या होगा? जाहिर है हम ये नहीं कह रहे हैं कि युद्ध होना चाहिए या एकदम से अटैक होना चाहिए, लेकिन मिठाई भी तो नहीं दी जानी चाहिए। आप लोग मिठाई देने पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी, देखिए परंपरा थी, आज पहली बार नहीं हुआ। हमने तो उनके प्रधानमंत्री को बुलाया, उन्होंने इनकार करा, उन्होंने इनकार करा, हम देने बिल्कुल इनकार कर दिया। मैं कहां मार रहा हूं, हमारा ये फर्ज था, ये परंपरा थी, उस परंपरा के तहत हम उनके पास गए, उन्होंने इनकार कर दिया। हम ये कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने उसका उसी समय जवाब दिया था जिसकी बात अभी हमारे साथी कर रहे थे कि सुषमा स्वराज ने इशारा किया, प्रधानमंत्री ने भी इशारा किया कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन बात करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान उस वातावरण का सृजन करें। क्या इस वातावरण में हम बात करना चाहते हैं? और पाकिस्तान तो हम बार बार कह रहे हैं ना, वो तो चाहता ही डिस्टर्ब करना। आज भीख की रोटी पर पलने वाला पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में नहीं है, इस शरीफ साहब की सराफत भी जान रही है और रफीक साहब की समझ में आ रही है, और द्विपक्षीय बातचीत के लिए वो एक मंच पर आना नहीं चाहता है, तो उसके बावजूद भी हम नरम रुख नहीं दिखा रहे हैं। सुमित जी वही मैं कह रहा हूं, देखिए यहां पर तो कश्मीर, हिंदुस्तान तो कश्मीर मुद्दे पर बात ही नहीं करेगा। कश्मीर तो हमारे सर्वदलीय और लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त सभाओं की बात है कि कश्मीर भारत का अभिन्न था, है और रहेगा। अगर आपको बात करनी है तो पाक कश्मीर की बात होगी। और दूसरी चीज सुमित जी, अब लड़ाई जो है ना आमने सामने की थोड़ी कम होती है लड़ाई, ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं ज्यादा बेहतर, अब लड़ाई जो होती है कूटनीतिक तौर पर। आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है, अभी 100 दिन हुआ है मोदी जी को, 125 दिन हुए हैं, नुकसान भी तो हमें ही हो रहा है। अब सुन लीजिए, लेकिन पहले क्या होता था? हम ये नहीं कह रहे किसी सरकार पर दोष, यहाँ भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, यहाँ मसला पाकिस्तान और भारत का है। अगर इसको इसी तरह से जवाब दिया गया होता कि हम सिर्फ ये बात कर लेते थे कि हम सत्य और अहिंसा के पथ पर चलने वाले लोग, अलग की बात कर लेते हैं, किस चीज में अलग थलग हो गया? सिर्फ जो बाकी जिन देशों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके आए हैं उनकी तरफ से कोई समर्थन नहीं मिला? पाकिस्तान के अगर खिलाफ अगर कुछ अमेरिका का हमें समर्थन मिलता या उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता तो हम कहते कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। सुमित जी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, जब देश में युद्ध होता है तो कौन देश किसके साथ खड़ा होता है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने आवाज उठाई ले जाकर जिसका कोई मतलब नहीं था, किसी देश ने उसको नोटिस नहीं लिया। ये मामूली बात नहीं है कि आप संयुक्त राष्ट्र सभा की उसमें सम्मेलन में जाते हो, कश्मीर का इशू उठाते हैं और तुरंत आपको पलटवार करके वहीं जब आपको जवाब मिलता है। आप जब 5 सैनिकों के सर कलम करके चले गए थे, अगर आप 10 सैनिकों के सर को कलम करके जवाब उसी दिन दे दिए होते तो आज जरूरत ना होती। और मैं सुमित जी, मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये सरकार मुंह तोड़ जवाब, आप कह रहे थे किसी मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट नहीं है, सुमित जी गृह मंत्री ने उसी दिन कहा था कि बीएसएफ के जवानों को पूरी छूट है, अगर वो ये 5 गोला दागे तो आप 15 दागिए, 5 मारे तो आप 25 मारे। गृह मंत्री देश के कह रहे हैं, रक्षा मंत्री जी एम्स से जैसे डिस्चार्ज हुए अपने घर पे तीनों सेना ये खबर आ जाए, ये खबर आ जाइए। चलिए गुड्डा साहब, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से वो उस एग्रेशन की जो बात यहां पर की जा रही है कि हमने ये किया है या पाकिस्तान जो है अलग थलग हो गया, अलग थलग के मसले पर मैं यहां आ जाना चाहता हूं। तमाम विश्व के जो देश हैं वो पाकिस्तान को रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, हम तो पूरी तरीके से दे रहे हैं, ट्रेड हमारे बकायदा वैसे ही चल रहे हैं, इकोनॉमी हमारी बिल्कुल उसी तरीके से पाकिस्तान के साथ चल रही है, हमें भी तो अलग थलग करना होगा या सिर्फ बाकी देश जो है अलग थलग सिर्फ स्टेटमेंट पे कर दे कि समर्थन नहीं हुआ? सुमित जी एक बात से क्या फर्क पड़ने वाला है? सुमित जी एक बात कह दो फिर, मैं कहता हूं आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, पहले सचिव स्तर की वार्ता आपने निरस्त की, डीजीएमओ की वार्ता आपने निरस्त की, आप कहां कहां चलेंगे? फिर आपके साथ कोर कमांडरों की बैठक नहीं होगी, आप माहौल बनाएंगे। ये सुमित जी मैं दो लाइनें सर, सॉरी मैं आपकी दो लाइनें ऐड करना चाह रहा हूं। सुमित जी देखिए,
आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपने कूटनीतिक जो आपकी बातचीत चलने वाली थी वो आपने सचिव सत्र की वो कैंसिल कर दी है। उसके बाद आप एक रेलगाड़ी को भेजते हैं जो आती जाती है अटारी वाली, लाहौर बस जाती है आपकी, ट्रेड होता है रोजाना के 1500 ट्रक उनके आते हैं, 1500 आपके आते जाते हैं, वो चीजें तो कॉमन चल रही है। मतलब एक ये है, एक जिस तरह का ये वार चल रहा है वो बिजनेस कम्युनिटी पे अभी तक नहीं आया है। और जिस दिन ये बिजनेस कम्युनिटी इंडिया ने ये स्टेप ले लिया, जिस दिन इंडिया ने ये आपकी लाहौर बस और ट्रेन और जिस दिन ये बॉर्डर दोनों मुजफ्फराबाद और ये अटारी वाले दोनों बॉर्डर्स को और उनको ब्लॉक कर दिया, उसी दिन मैं आपको ये सुमित जी मेरा अपना ये मानना है कि पाकिस्तान के ऊपर सीधा इफेक्ट आएगा। क्योंकि एक इंडिया ऐसा कंट्री है जिसके पास सबसे फास्टेस्ट, मैं तीन चार कमोडिटी का आपको बताता हूं, उनकी दाल, उनकी पाकिस्तान की दाल क्या कहते हैं टोमेटोज और ओनियंस प्याज, ये तीनों चीजें जैसे ही वहां से रेडीमेड होती सीधी इंडिया के लिए डिस्पैच करते हैं, बिकॉज हमारे पास उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट है। देखिए अभी हम उस लेवल पर, चलो वो तो बहुत बड़े लेवल पर ही बातचीत चल रही है, अगर युद्ध की बात अब यहां पर की जा रही है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अगर हम सीधा सीधा नहीं लड़ सकते हैं तो इन चीजों को हमें कहीं ना कहीं हथियार बनाना होगा ना। मैं करता कम से कम ये डिस्कस तो हुआ होगा सुमित जी, ये पहला काम नहीं हो जाता कि आप सब कुछ बंद, आज युद्ध की स्थिति नहीं है, आज भी आप युद्ध की स्थिति नहीं कर सकते हैं, ये युद्ध की स्थिति नहीं है। और आज जो है पाकिस्तान की आवाम, आप वहां की आवाम की बात सुनिए टीवी पर, वो युद्ध नहीं चाहती है, वो अपना हस्त्र जानती है, युद्ध और वही देश की आवाम नहीं चाहती है। लेकिन लेकिन वो लोग जो हमारे लोग मारे जा रहे हैं दिनेश जी, उनके बारे में कौन सोचेगा? ट्रेन यात्रा की बात है, जो संबंध दोनों देशों के जरिए सरकार पर ये दबाव नहीं बनाना चाहते हैं कि सरकार अभी से अटैक कर दे। कम से कम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के व्यापारी कम से कम 40 से 50 हजार लोग आपस में बात करते हैं, ऐसे एक दूसरे का ऑर्डर प्लेस करते हैं, बात मीडिया से नहीं की जाती है, वो वहां के ऑर्डर प्लेस मीडिया को नहीं बताई जाती है या डिस्कशन में चर्चा नहीं होती है। ये जहां पे करना है वो सारी चीजें की जा रही है, बहुत कुछ मीडिया में कही जाती है, कुछ मीडिया के बाहर लोगों का है जो इस वक्त बॉर्डर पर ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर उन्हें कब तक पलायन करना होगा, वो कब तक, उन्हें इस बात का भरोसा नहीं होगा कि अगर वो आज रात को सोए हैं तो सुबह जगेंगे या नहीं जगेंगे। शायद अगर आप यहां पर बात, इस बात का जवाब मिल जाए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सब कुछ ठीक होगा। और एक प्रधानमंत्री का इतना कहना, प्रधानमंत्री कोई बात किसी हेड ऑफ स्टेट कहता है तो इंटरनेशनल बात होती है। आप क्या कहें? आरवी शर्मा साहब, सुमित जी बात ये है कि मेरे ख्याल में हम और मुद्दों को ना उठाएं और आज की जो परिस्थिति है उसमें भारत क्या करे इस पे अधिक चर्चा करें। चलिए, अभी तक क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा, मैं पहली बात ये आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज, कल और परसों, इन दिनों में कूटनीति नहीं सामरिक और रणनीति की आवश्यकता। कूटनीति हम पिछले 10 साल से 5 साल से यूएनओ में सब जगह चला रहे हैं, लेकिन आज आपने जो सवाल उठाया है कि जिन लोगों पर गोले पड़ रहे हैं, जो हमारे लोग मर रहे हैं, इनका हल कूटनीतिक नहीं है, इनका आज हल जो है वो सामरिक है। और इसलिए सेनाओं को पूरे आदेश हुए हैं कि वो इस किस्म का जवाब दें, उनकी उनकी भी तो सिविलियन लोग रहते हैं बॉर्डर के पास, उनको भी तो गोलों से क्षति होती है, इसलिए आज जो भाषा पाकिस्तान समझता है उस भाषा की ज्यादा आवश्यकता है, ट्रेड की, कॉमर्स की, कूटनीति की, अलग थलग पढ़ने की, दूसरे देशों की बोलने की, वो नहीं। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिए, अभी हम युद्ध में नहीं है, ये युद्ध से पूर्व की परिस्थिति है, इसलिए इस समय प्रधानमंत्री का अधिक बोलना या किसी दूसरे नेता का अधिक बोलना आवश्यक नहीं है। इस समय सिक्योरिटी का मुद्दा है और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल जी, वो पाकिस्तान स्पेशलिस्ट हैं, एक ऐसा पुलिस ऑफिसर वही है जिसको सेना की ओर से पदक दिया हुआ हो, इसलिए वो इन दोनों नीतियों को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और अभी मामला उन तक ही सीमित रहना चाहिए। और मुझे आपने यहां पर भाषा के बारे में बात कहा है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को किसी एक ऐसी भाषा में समझाना होगा, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो भाषा हम किस तरीके से चयन करें और वो कौन सी वो भाषा हो, चाहे वो कूटनीतिक की भाषा हो जो जिसकी आपने यहां पर बात कही आज नहीं, या हमारी इकोनॉमी की लेकर या ट्रेड को लेकर वो भाषा हो, किसी ना एक भाषा में तो हमें मैसेज देना होगा। ये फॉलो अप एक्शन है। अभी अगले 3-4 दिन जो भाषा पाकिस्तान समझता है वो गोले डालने की,
उनकी अगर गोली आती है तो हमारा गोल आ जाए, उसके बाद उसको ट्रेड रिलेशन भी याद आएंगे और कूटनीति भी याद आएगी। लेकिन अगर हमने ट्रेड रिलेशंस की बात की और सैंक्शन लगाने की बात की और गाड़ी रोकने की बात की तो गोलियां नहीं रुकेंगी। गोलियां जब रुकेंगी जब उनकी उनकी क्षति होगी, उनकी सेना की और उनके जो गांव वाले हैं वो जब अभी कर रहे हैं प्लान। पाकिस्तान की अगर आपने अल जजीरा और उधर की खबरें पढ़ी हैं तो वहां ये मैं आपको चार चीजों की तरफ इशारा था इस बात में। स्वयं उनके प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि आप हमारी फौजों की की शांति को चैलेंज ना करें। उनके आपकी तरफ से भी आया कि हमारा सब्र का इम्तिहान ना ले, वही मैं कह रहा हूँ सामने आए वही मैं कह रहा हूँ। और उनके जो वहाँ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये यूएनओ तक दोबारा ले जाने की बात की है और लोगों की जो वहाँ प्लाइन की इस समय परिस्थिति है बहुत ज्यादा उधर क्षति हो रही है। जितनी ये क्षति बढ़ेगी उतना ही पाकिस्तान बाकी की कूटनीति को समझेगा। ठीक, एक कहावत है, मैं वो कहावत बता दूं, स्पीक पोलाइटली, इंग्लिश में मैं फिर इसकी हिंदी को स्पीक पोलाइटली बट कीप योर स्टिक इन योर हैंड। और ये जो हरियाणा की बात कर रहे थे ना हुडा जी, वहां पर हम कहते हैं कि अगर पड़ोसी पागल हो तो राम राम तो करो लेकिन लठ तैयार रखो। जब तक ये लठ तैयार नहीं होगा और इस्तेमाल नहीं होगा वो दाल चावल में मानने वाला पाकिस्तान नहीं। नहीं मनोज जी, ये जो परिस्थिति है आप इस पर अपना अपनी बात रखिए, लेकिन जो ये परिस्थिति बन रही है कि अटैक का मतलब मेरा यह है कि जो जिस तरीके के पाकिस्तान की तरफ से रवैया है वैसा रवैया हमारी तरफ से अपनाया जाए। दिनेश जी ने खुद कहा कि रेस्पॉन्स हमारी सेना का भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन परिस्थितियां कम होने के बजाय ये बढ़ रही। नहीं लेकिन देखिए ठीक है, जो आपकी रिपोर्टों में दिखाया गया मुझे लगता है उन रिपोर्टों में हम लोग की समीक्षा से ज्यादा कॉन्क्रीट बातें थी। जिस तरीके से भारत के इंतजामिया ने जो है काउंटर अटैक किया है और जिस तरीके से उनके भी सिविलियन मर रहे हैं, लेकिन आप लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान में तो एक गन कल्चर है, वहां लड़ना मरना कटना चाहे वो पॉलिटिकल रिजीम हो चाहे वहां की सोशल रिजीम हो या जिस बुनियाद पर पाकिस्तान बटा, जहां पर कि आपके चारों कोने में हर जगह कोई ना कोई लड़ाई चल रही है, लड़ने मरने कटने की, कहीं तालिबान की लड़ाई चल रही है, कभी अफगानिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में चल रही है, कभी उनके इंटरनल ट्राइबल्स वार चल रहे हैं, कश्मीर बॉर्डर पर जो है वो एक आतंकियों का और वहां के सेना के रिजीम का जो है वो मामला लगातार चलते रहता है। ठीक है हम अभी उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे भी तो हो सकता है वो कुछ महीनों के लिए शांत हो जाए, लेकिन भारत का जो मूल लक्ष्य है, जो भारत का जो परमानेंट जो एक नेशनल फेनोमेना है वो शांत रह करके अपनी विकास को तेज करना है। ठीक है हम पाकिस्तान पर मिलिट्री तरीके से उन पर हावी होते हैं क्योंकि पाकिस्तान हमारे सामने छोटा मुल्क है, हमारी इकोनॉमी भी उससे काफी बड़ी है, हम उन्हें अगर 3-4 बार उन्हें हरा दिए हैं तो हमारे लिए कोई फक्र की बात नहीं है, हमने कोई चीन को नहीं हराया है कि हम बहुत ज्यादा फक्र करने जाएं, लेकिन पाकिस्तान की ये जो प्रॉब्लम जो है ये जो परमानेंट प्रॉब्लम है और उसका जो कल्चर है वो लड़ने मरने कटने का कल्चर है, तो हम इसका आखिर सॉल्यूशन क्या निकालें कि हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो मासूम जो परिवार है जो सिविलियन है वो न मरे सबसे और हमारे यहाँ जो ये पॉलिटिकल रिजीम में ये बार बार जो बहस चलती रहती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने को बहुत ज्यादा रॉबिनहुड तरीके से दिखाती है, कोई कहती है कि आपका सर काट ले गया, अरे सर कटना हो गया ठीक है आपको अपमान हुआ लेकिन हमारे सैनिक तो लगातार मरते रहे हैं और हम ज्यादा से ज्यादा रिटेलिएशन करते हैं। बिल्कुल मनोज जी मैं यहाँ पर रोक दूं, मैं आपको यहाँ माफी चाहूंगा, आप मुझे यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। इस वक्त मैं एक बार फिर से वही बात बता दूं जो अब तक हमारे जिस बात को हम लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि रेस्पॉन्स की भले ही हमारी तरफ से बात की जा रही है, एक बार फिर से यानी वही वक्त जब हम एक बार फिर से चर्चा कर रहे हैं और इस वक्त भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया है और अभी भी फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। दिनेश जी पलायन जारी रहेगा या नहीं रहेगा, परिस्थितियां सुधरेंगी या नहीं सुधरेंगी, निश्चित कब तक लोग इस तरीके से पलायन करेंगे? निश्चित तौर पर सुधरेगी और आप देखिएगा जिसकी चर्चा अभी कर रहे हैं लोग कि 5 मरेंगे तो उधर 50 मरेंगे, इस चीज की गारंटी है और इसी भाषा में जिस भाषा की आप बात कर देखिए
शुरुआत किसने की? आप सारे लोग कह रहे हैं ना कि सीज फायर को पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है, और शिकायत लेकर यूएनओ में कौन गया? पाकिस्तान गया कि देखिए भारत वाले हम पर आक्रमण कर रहे हैं, यही तो करना चाहता था ना, वही शिकायत। लेकिन आज मान नहीं रहे लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ मानने को तैयार नहीं है, वही सीना वही चोरी कर रहा है, वही शिकायत कर रहा है। और इसकी परिस्थितियों में फर्क आ रहा है, बिल्कुल अभी फर्क है। मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूँ कि युद्ध की स्थिति नहीं है अभी, आप लाइन ऑफ कंट्रोल के बाहर, मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके आप युद्ध करने की स्थिति में नहीं। अभी बहुत कुछ है, उनके यहाँ पलायन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अपने यहाँ भी हो रहा है, अपने लोगों को सुरक्षित स्थानों पे ले जाया जा रहा है, बीएसएफ लोगों को ज्यादा तैयार करने के लिए कहा जा रहा है। जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे कि अगर दो मोर्टार दागे तो आप पांच दागिए, तो निश्चित तौर पर पांच नहीं 50 दागा जाएगा, और कुत्ते की दुम सुमित जी कैसे सीधी होती है, अब हिंदुस्तान उसको सीधी करने का उसके पास मापदा है। और इस बार आप देख लीजिएगा, आपको आश्वस्त करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, इस बार पाकिस्तान को सबक सिखा के रहेंगे, और शरीफ साहब की शरीफता और रफीक जी की भी शरीफता सबके सामने आ जाएगी, इसके बाद हिम्मत नहीं करेंगे। सुमित जी, मेरे ख्याल से पास में मैं आपको ईयर तो नहीं कोट कर पाऊंगा, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, कुछ हालात ऐसे ही होते रहे बीच बीच में, कम से कम उन्होंने एक जिस डिसीजन को अप्रिशिएट करते हैं, जो डिफेंस के एक्सपर्ट भी अप्रिशिएट करेंगे, कम से कम इस गवर्नमेंट से मैं तो ये एक्सपेक्ट करता था कि कम से कम वो आर्मी को इन एक्शन में तो कम से कम लेकर आना चाहिए, उनको आर्मी को कम से कम यहां से डिस्पैच करके बीएसएफ के साथ फ्रंट पे तो उनको दिखा देना चाहिए, जिसको पाकिस्तान के लिए इमीडिएट इतना भारी प्रेशर आ जाए कि नहीं इंडिया इज रेडी। अभी तक हमने आर्मी को क्यों बैकफुट पर रखा हुआ है? ठीक है, आर्मी चीफ है, वो बातचीत कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल रहे हैं, डोभाल साहब से मिल रहे हैं, बट आर्मी को वहां डिस्पैच करने के लिए जो हमारी बॉर्डर है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां पे भेजने पे, हमारे जो वहां पे फोर्स है वहां पे भेजने में, क्योंकि बीएसएफ एक स्पेशलाइज फोर्स है जो बॉर्डर के लिए ही बनी है। लेकिन जहां तक वार की बात आती है, किसी को रिटेलिएशन करने की बात आती है, मेरा ये मानना और लोगों का भी ये मानना है कि आर्मी इज द बेस्ट, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग और एक्सपर्टीज उसी में है। कम से कम इस सरकार को इमीडिएट एक्शन में लाते हुए वहां पे को आर्मी के भेजना चाहिए। जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं वो हम लोगों से ज्यादा बुद्धिमान हैं, और उस सिचुएशन को ज्यादा बेहतर समझते हैं कि कब वहां बीएसएफ की आवश्यकता है और कब वहां मिलिट्री एक्शन की आवश्यकता है। और जब मंशा, सुमित, अब राजनीतिक मंशा को भी लेकर आना चाहते हैं, और सुमित जी, अगर यूपीए सरकार भी उसी वक्त वही थी, कर्मचारी सारे वही थे, उससे क्या फर्क पड़ता है? सुमित जी, बिल्कुल फर्क पड़ता है। पांच मरे थे, जवाब नहीं दिया गया था, बाद में कहा गया हमने बदला ले लिया, फिर उत्तरदायित्व आप पर भी आ जाता है ना, नहीं तुरंत बदला लिया गया, इमीडिएट बदला लिया गया। जरा आपके सोच सुनो तो, पाकिस्तान ये करो, अगर आपने आर्मी लोग हटा है नहीं भेजनी, कम से कम आर्मी को तैयार तो कर दीजिए ना। और मैं ये कर रहा हूं, क्या हो रहा है क्या नहीं, ये पब्लिक डोमेन का नहीं होता है, क्या यहां चर्चा करके बताइए? जिसको एक पता है, जिस पाकिस्तान को मैसेज देने की बात है, हॉटलाइन से मैसेज दिया गया, उनके 48 चौकियों को मैसेज दिया गया। सुमित जी, डिबेट का भी मैं एक लाइन कहना चाहूंगा सुमित जी, कि पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे जिस तरीके से वार सिचुएशन को इमोशनलाइज करते हैं, मुझे लगता है कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बिल्कुल, जनता के भावनाओं के साथ एक तरह से खिलवाड़ होता है, लड़ाई आर्मी लड़ती है, ऐसा नहीं था कि वो जो गला काटा गया था, गला जो काटा गया था वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने मना किया था, कहीं ना कहीं आर्मी लेवल पे उस पर रणनीति पर कोई ना कोई काम कीजिएगा। जो आर्मी में लोग होते हैं वो भी हमारे आपके घर के होते हैं, अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी में हैं तो हम भी किसी घर के हैं, इसलिए नहीं है। और सुन लीजिए, चूंकि भारत पाकिस्तान का मसला है, हम राजनीतिक कार्यकर्ता से पहले इस देश के नागरिक हैं, ये नहीं बोलना चाहिए, क्यों नहीं भावना हमारी के साथ हमारी हमदर्दी होगी। सुमित जी, मैं कह रहा हूं, आप मेरी हमदर्दी तो कदाप नहीं हो सकती है। दिनेश जी, मेरा कहने का मतलब ये था कि आप सभी लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक जो मुद्दा, जो माहौल वहां पर बन गया है, वो आर्मी टू आर्मी बन गया, क्योंकि वहां पे रेंजर्स हैं। अगर वहां पे हमारी तरह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती, उनके रेंजर्स हैं, रेंजर्स में मींस वो आर्मी के लोग हैं, जो उनके लड़ाकू जवान हैं। हम ये करें, उनके अगर लड़ाकू जवान हैं तो हमारे भी तो लड़ाकू जवान तो जाने चाहिए। उनके लड़ाकू जवान है, सुनिए, उनके आतंकवादी हैं, उनके ISI के लोग हैं, ये सारी चीजें पता है भारत सरकार को, क्या करना है, किस समय करना, वो सारी चीजें हो रही है, उसके लिए भारत लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए। आरबी शर्मा साहब से बेहतर विकल्प क्या होता है? आरबी शर्मा, सूचना दे दूं आपको, हाँ,
के जो ये रेंजर्स हैं पाकिस्तान के, वो हमारे बीएसएफ के ही काउंटर पार्ट हैं। और दोनों इंटरनेशनल बॉर्डर पर ये बॉर्डर मैनेजमेंट का काम इन दोनों पुलिस फोर्सेस का होता है। जब तक युद्ध आरंभ ना हो, सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने नहीं आती हैं। लेकिन जो जो युद्ध की परिस्थिति तैयार होती है, सेना अपने फॉरवर्ड एरियाज की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, और युद्ध घोषणा होने के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय लॉ के अनुसार आप बॉर्डर पार करने वो का काम फौज का होता है। मैं एक सूचना ये ऐड कर दूं आपको, जो ये इस किस्म का माहौल है, आज प्रेस रिपोर्ट्स में है कि हमारी सेना अलर्ट हो चुकी है और आवश्यक टुकड़ियां अपनी ऑपरेशनल पोजीशन में जाने के लिए तैयार है। नहीं अरविंद शर्मा, एक चीज और यहां पर आप बताएं, जिस तरीके से यहां पर कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड स्टेप के तौर पर हमें कहीं ना कहीं आर्मी का यूज करना चाहिए था, वो एक स्टेप होना चाहिए था या नहीं? आज तक नहीं होना चाहिए था, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात है और इन दोनों के मैनेजमेंट का, और हमारी बीएसएफ, मैं आपको पूर्ण रूप से बताऊं कि वो आर्मी जितनी ही लगभग ट्रेंड है, हथियारों में अंतर है, रणनीति का अंतर है, लेकिन वो अब हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए पूरी सक्षम है। ये बात जरूर है कि पाकिस्तान की सेना उनके रेंजर्स को बढ़ावा देती रहती है, हथियार देती है, वेपन देती है, ठीक, और लेकिन हम उनसे पीछे नहीं है, ठीक। एक जो मैं छोटा सा कमेंट चाहता हूं यहां पर मनोज जी आपसे, अभी क्या होना चाहिए था हमारे पास, अब हमारा त्वरित जो एक्शन है वो क्या होना चाहिए? देखिए, जो अभी काउंटर एक्शन हो रहा है वो ठीक है, लेकिन ये परमानेंट प्रॉब्लम है। आप मुंहतोड़ जवाब एक बार नहीं, अनेकों बार दे चुके हैं, पहले भी आपने दिया है। कारगिल में जो है आपके 450 सैनिक मरे, पाकिस्तान के करीब आतंकवादियों सहित करीब 1000 सैनिक मरे, उनके आई कार्ड में जो है वो आर्मी के आई कार्ड मिलते थे और वो सब आतंकी लड़ रहे थे पाकिस्तान के अधिकृत प्रवक्ता के मुताबिक। लेकिन ये लंबा सिलसिला, वो तो कहते हैं कि हम मरने लड़ेंगे और कई 100 पुस्त तक जो है लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वो कितना नुकसान हो जाए। तो आपका एक लॉन्ग टर्म विजन क्या होगा? क्या ये अपना मारना उनका मारना ये सिलसिला कब तक चलेगा? तो कहीं ना कहीं इस देश का जो अवैध बंटवारा हुआ, कहीं ना कहीं उस समय सापेक्ष तरीके से उस समय जो हुआ, कहीं ना कहीं इस देश को और वहां के भी तमाम लोगों को, शांतिप्रिय लोगों को, जो यहां के एक फैब्रिक और एक कल्चर के सब जीव हैं, आज एक अलग बाउंड्री बन गई है या एक कन्वर्टेड रिलीजन, एक सेपरेटेड नेशन में जो तब्दील हो चुका है, इसको लेकर के भी एक नई धारा लानी पड़ेगी कि लॉन्ग टर्म में एक शांति का पैगाम आए और देशों की और सीमाओं की लड़ाई में जो है इस तरीके से मानवता रक्त रंजित ना हो और पोलिटिकल रिजीम को अपना चौड़ा सीना करके जो है अपने अपने लोगों को इमोशनलाइज करके अपना पोलिटिकल फायदा लेने की होड़ लगी। आम जनता के ऊपर जिस तरीके से एक राजनीति की जाती है इमोशंस को लेकर भी, उसे हमें बदलना होगा। लेकिन हमारा जो एक मोटो है वो पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं उसके खिलाफ एक साथ होने की जरूरत है, चाहे वो राजनीतिक दल हो या फिर भारतवासी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वहीं सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भारत की इस कोशिशों के बाद सुधर सकता है, और अगर नहीं तो क्या करना होगा भारत को? इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।